फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल रेनबो लाइक लाइफ। अच्छा, तो आज की रेसिपी बहुत ही स्पेशल है। ये मैं फादर्स डे के तौर पर बना रही हूँ, लेकिन आप बर्थडे सेलिब्रेशन, एनिवर्सरी सेलिब्रेशन किसी के लिए ये रेसिपी का यूज़ कर सकते हो। और इसके लिए मैंने बहुत ही कम इन्ग्रीडियंट का यूज़ किया है और ये बहुत ही आसान है। तो इसके लिए यहाँ पर मैंने एक ओरियो लिया है और इसकी रेसिपी में हम ओरियो का ये जो बीच का क्रीमी पार्ट होता है वो हम सेपरेट कर रहे हैं, क्योंकि वो आपको क्यों अलग कर रहे हैं वो आपको बाद में पता चलेगा, आगे एक सरप्राइज़ है। और हाँ, ये जो क्रीमी पार्ट है वो बड़ा स्टिकी होता है, तो इसको ध्यान से अलग करना, अदरवाइज ये ब्रेक भी हो सकता है। तो फ्रेंड्स, अभी हमने सारे ओरियो बिस्किट्स के बीच का जो क्रीमी पार्ट होता है वो अभी सेपरेट कर दिया है। अभी हम ओरियो बिस्किट को ब्रेक करते हैं और उसके बाद हम उसमें थोड़ा सा मिल्क और फिर शुगर ऐड करते हैं। शुगर यहाँ पे मैंने 3 टेबलस्पून लिया है, लेकिन आप अपने टेस्ट के हिसाब से ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। और हाँ, यहाँ पे मैंने 120 ml मिल्क लिया है। आप चाहे तो क्रश किया हुआ ओरियो भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे ये मिक्सिंग को बाद में मिक्सर जार में क्रश किया है। अब आप देख सकते हैं कि ओरियो बिस्किट दूध में बिल्कुल घुल मिल जाएंगे और अभी इसमें ज़्यादा लम्स ना रहे, इसके लिए हम मिक्सर में भी एक बार उसको क्रश कर देते हैं। अभी मेन पार्ट, अभी हम ये जो हमने ओरियो दूध और शुगर का जो पेस्ट तैयार किया है उसमें हम बेकिंग पाउडर एंड बेकिंग सोडा ऐड करते हैं। बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा ऐड करने में बहुत ही ध्यान रखना है, अब ऑलवेज याद रखना है कि बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा से ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे हमने 3/4 टेबल स्पून बेकिंग पाउडर लिया है एंड 1/4 टेबल स्पून बेकिंग सोडा लिया है। और अभी ये मिक्सचर को हम एक ही दिशा में विस्क की मदद से विस्क कर देते हैं। अगर आपके पास बटर पेपर ना हो तो भी कोई बात नहीं, आप ये मोल्ड लिया है, मोल्ड में हम ये बटर लगा देंगे और मोल्ड को ग्रीस कर देते हैं और उसके बाद हमने जो मिक्सचर तैयार किया है वो हम उसमें रख देते हैं। एक कढ़ाई ली है, उसमें मैंने नीचे सॉल्ट डाला हुआ है और उसके ऊपर हमने केक तैयार करने होने के लिए रखा है। और केक तैयार होने में 30-40 मिनट्स लग सकते हैं, तब तक हम दूसरी जो हमने ओरियो बिस्किट से वाइट क्रीमी पार्ट हम निकाला था उससे हम डेकोरेशन के लिए फ्लावर बना के रखते हैं। अभी फ्लावर तैयार होने के बाद हम केक पे डेकोरेशन के लिए चॉकलेट सिरप बना रहे हैं, जिसके लिए मैंने चॉकलेट लिया है, एक डेरी मिल्क लिया है और एक चॉकलेट स्लैब से थोड़ा सा चॉकलेट का पार्ट लिया है और उसमें हमने दूध ऐड किया है और बटर ऐड किया है। तो अभी हमारा ये चॉकलेट सिरप का मिक्सचर भी रेडी है, जो केक तैयार होने के बाद डेकोरेशन के टाइम हम उस पर डालेंगे। अभी लास्ट में केक का डेकोरेशन करने वाली हूँ। केक डेकोरेशन बहुत ही सिंपल है, इसके लिए मैंने कोई क्रीम यूज़ नहीं किया है, सिर्फ मैं ऊपर चॉकलेट का जो मैंने चॉकलेट सिरप बनाया था वो मैं डालने वाली हूँ।
और उसके अलावा मैंने यहाँ पे जो फ्लावर बनाए थे क्रीम से वो मैंने लगाए हैं, और उसके साथ आप चॉकलेट चिप्स का भी यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे मैंने जेम्स का भी यूज़ किया है। तो हमारा ये बहुत ही सिंपल वाला ओरियो केक रेडी है। अच्छा, तो फ्रेंड्स आप भी ये कृपया बनाइए और मुझे बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसा लगा। और हाँ, लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करना बिल्कुल भी मत करें, और ये वीडियो अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर भी करिएगा।